Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. And today we are into our smart science, and today we are going to learn chapter number 1's question answer. So let's begin and see the question answer. The first question is find the matches, right? So let's start with this. Here we have question, column A, column B, and the answer. So this is there. So let's go to the answers. Lotus is adapted to live in water. Okay. Alloy, adapted to live in deserts. Cactus, hostorial roots for absorption of food. Venus flytrap, flower and leaf attracts insects. ठीक है. So this is the as the column part. Let's go to the next question. Read the paragraph and answer the following question. I am a pigeon. I live in polar region covered by snow. My abdomen is white. My skin is thick with a layer of fat underneath. My body is spindle shaped, my wings are small, my toes are webbed. We live in the flocks. Why is my skin white and thick? And why is there a thick layer of fat underneath? Okay. The white skin, answer is the white skin colors conflict with the snow, so pendants cannot be easily spotted and get protected from enemies, right? ठीक है, तो ये क्या होता है इससे कि वो सफ़ेद होने की वजह से वो ईजिली बर्फ़ में छुप सकते हैं और उनके जो दुश्मन हैं उनको पकड़ नहीं सकते और अपने आप को बचा सकते हैं. द थिक स्किन एंड थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ गिव्स देम प्रोटेक्शन फ्रॉम सीवियर कोल्ड. ठीक है, जो एकदम कड़क ठंडी रहती है उससे वो जो उनका थिक लेयर है उनके पेट के नीचे वो उनको बचा के रखता है. क्वेश्चन बी, व्हाई डू वी लिव इन फ्लॉक्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, हम एकदम नज़दीक क्यों रहते हैं, सबके साथ क्यों रहते हैं. पेंजिम्स लिव इन अ फ्लॉक्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर बिकॉज स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर रिड्यूसेज द रिलेटिव एरिया सो देर इज लीस्ट लॉस ऑफ हीट एंड दे गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड. ठीक है, तो कैसे जब एकदम नज़दीक रहते हैं तो उनके अंदर से गर्मी बाहर नहीं जाती है और ठंडा अंदर नहीं आता और वो अपने आप को इस तरीके से बचा सकते हैं. ठीक है, विच जियोग्राफिकल रीजन डू आई इनहैबिट, वाई. ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ और क्यों रहता हूँ. पेंजिमिन इनहैबिट एंटार्क्टिका रीजन. ठीक है, एंटार्क्टिका रीजन में ये रहते हैं. एंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाय ओशन. ठीक है, जो है वो ओशन से सराउंडेड है. क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ड्रायर एंड विंडियर. ठीक है, एकदम ड्राई भी है और एकदम विंडी भी है, वहाँ पे हवा भी ज़्यादा आती है. इट डज़ नॉट हैव ह्यूमन पॉपुलेशन, और वहाँ पे कैसे लोग ज़्यादा नहीं हैं. दिस क्लाइमेट इज़ सुटेबल फॉर पिंजम्स सो दे इनहैबिट एंटार्क्टिका. ठीक है, तो ये ऐसा जो क्लाइमेट है वो वहाँ पर सुटेबल है इसलिए वो वहाँ रहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन डी, विच एडाप्टेशन शुड यू हैव टू अनेबल यू टू लीव परमानेंटली इन द पोलर रीजन, वाई. ठीक है, कौन सा एडाप्टेशन आपको करना चाहिए जिससे आप पोलर रीजन में रह सकते हो और क्यों. आई शुड बी अ वार्म ब्लडेड एनिमल. ठीक है, मुझे एक वार्म ब्लडेड एनिमल बनना पड़ेगा. दिस शुड अलाउ मी टू परमानेंटली लीव इन पोलर रीजन. ठीक है, इससे तो मैं परमानेंटली पोलर रीजन में रह पाऊँगा. माई बॉडी हैज़ टू बी कवर्ड विथ थिक फर और स्केल so that loss of heat will be very less and I can survive in the severe cold. ठीक है, मुझे मेरे जो बॉडी है उसके ऊपर एकदम अच्छा सा थिक फर होना चाहिए, राइट. एकदम बहुत बड़े बड़े बाल होने चाहिए जिससे मेरे बॉडी का हीट बाहर नहीं निकले, या मेरे जो बॉडी का स्किन है वो बहुत थिक होना चाहिए. ठीक है, जिससे गर्मी मेरे बॉडी के बाहर नहीं निकले और ठंडी मेरे अंदर ना जा पाए.
हु इज लाइंग, कौन झूठ बोल रहा है बताइए इसमें से। क्वेश्चन ए, कॉकरोच आई हैव 5 legs, कॉकरोच इज लाइंग इट हैज 6 legs। ठीक है, कॉकरोच झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके 6 पैर होते हैं। क्वेश्चन बी, हैन माई टोज आर वेब्ड, हैन बोल रहा है कि मेरे टोज जो है वेब्ड होते हैं। हैन इज लाइंग बिकॉज हैंस टोज आर नॉट वेब्ड, डक हैज़ वेब्ड टोज। ठीक है, तो हैन झूठ बोल रहा है कि उसके जो टोज है पैर वो वेब्ड है क्योंकि डक के जो पैर है वो वेब्ड होते हैं। कैक्टस, माई फ्लैशी ग्रीन पार्ट इज लीफ। ठीक है, जो उसका ग्रीन पार्ट है वो लीफ है ऐसा वो बोल रहा है। कैक्टस इज लाइंग इट्स फ्लैशी ग्रीन पार्ट इज अ स्टीम नॉट अ लीफ। ठीक है, उसका जो फ्लैशी ग्रीन पार्ट है वो स्टीम होता है, लीफ नहीं होता है। उसके ऊपर जो कांटे आते हैं वो लीव्स होते हैं, जो पतले पतले कांटे आते हैं। ठीक है, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट अ पैराग्राफ अबाउट एडॉप्टेशन विथ रेफरेंस टू ईच अदर। ठीक है, देर इज एक्सट्रीम हीट इन डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में एक्सट्रीम हीट होता है तो उससे एडॉप्टेशन में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं एनिमल्स को। प्लांट स्टीम इज फ्लैशी, लीव्स गेट मॉडिफाइड इन टू थ्रोन्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, स्टीम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। ठीक है, तो क्या होता है जो प्लांट्स है जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, डेजर्ट्स में रहते हैं, वो उनके जो स्टीम है उसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है, राइट, और वो पानी जो है वो अपने अंदर छुपा के रखता है। स्टीम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट, और जो उनके लीव्स होते हैं वो थ्रोन्स में मतलब कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनिमल्स हैव कुशन्ड सोल्स। ठीक है, जो उनका जो सोल है नीचे का पैर का वो कुशन्ड होते हैं ताकि वो ढसे नहीं, अंदर घुसे नहीं करके, राइट। हम्प लॉन्ग लेग्स, ठीक है, उनका हम्प होता है जो ऊपर होता है ना ऊंट के बीच में, वो हम्प कहलाता है जहाँ पे वो पानी सेचुरेट करते हैं। लॉन्ग लेग्स, उनके पैर जो है बहुत लंबे होते हैं। एंड नोस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स, जो उनके नोस्ट्रिल्स होते हैं, जो उनके नाक का एरिया होता है उसका जो स्किन है वो लंबा होता है ताकि उसके अंदर जो है रेत ना जाए। ठीक है, ऑफ स्किन, आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक, जो आई लैशेस होते हैं वो भी लॉन्ग और थिक होते हैं उनके। ग्रासलैंड्स आर लश ग्रीन, ग्रासलैंड जो है वो बहुत ग्रीन होता है। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास ग्रास होपर्स हैव बीन कलर्ड सो दे कैन बी कन्फ्लज्ड अमॉन्ग एमडेस्ट ग्रासेस। ठीक है, कन्फ्लज्ड मतलब उनका रंग ले सकते हैं, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, एमडेस्ट ग्रासेस। ठीक है, अमोंगेस्ट ग्रासेस में, ग्रासेस के अंदर वो मिल सकते हैं। क्वेश्चन सी, वी हाइड, हम छुपते हैं। इन इक्वेटोरियल रीजन ग्रासेस आर वेरी टॉल। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में ग्रासेस जो है वो बहुत बड़े होते हैं। सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एनिमल्स लाइक टाइगर्स एलिफेंट्स एंड डियर रिमेन हिडन इन दिस टॉल ग्रासेस। ठीक है, तो वो टॉल ग्रासेस के बीच में इक्विटोरियल रीजन में वो लोग ग्रास के बीच में छुप के बैठे रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डी, वी हैव लॉन्ग ईयर्स, हमारे कान बहुत बड़े होते हैं, टू हेल्प द एनिमल्स टू रिसीव साउंड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, जो जानवर है उनको दूर से ही अपने दुश्मन की आवाज़ सुनने के लिए, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रिडेटर्स, प्रिडेटर्स ठीक है, शिकारी से, है ना, राइट, तो उनको अपने दूर से आवाज़ सुनने से और उनको अपने प्रिडेटर से बचने के लिए उनके जो कान है वो बहुत लंबे होते हैं। क्वेश्चन ए, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बोला जाता है। पहला रीज़न देखते हैं, कैमल लीव्स इन अ डेजर्ट इजिली ड्यू टू फॉलोइंग एडाप्टेशन। ठीक है, इन सब एडाप्टेशन की वजह से कैमल जो है डेजर्ट में रह सकता है। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स एंड कुशन्ड सोल्स विच कीप द बॉडी ऑफ कैमल अबाव द सैंड, एंड कुशन्ड सोल्स डू नॉट अलाउ टू स्किन इन सैंड वाइल वॉकिंग।
ठीक है, जो उनके कुशन सोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ज़मीन पे रेत पे चलने में मदद करते हैं और उनको रेत में ढंसने से मतलब अंदर घुसने से बचाए रखते हैं। ठीक है, द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। ठीक है, उनकी जो नाक होती है उनको उसके अंदर जो स्किन होता है उसको वो लंबा होने से उसका जो नाक है उसके अंदर डस्ट जाने से या रेत जाने से बचा के रखता है। ये अडाप्टेशन किया है उन्होंने, है ना। दे आई लैशेज आर लॉन्ग एंड थिक, जो आई लैशेज है उनके आँख के ऊपर वो बहुत थिक होते हैं, बहुत जाड़े होते हैं। इट हैज़ हम्प विच स्टोर्स फैट, सो इट हेल्प्स कैमल्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट फॉर मेनी डेज विदाउट फूड एंड वाटर। ठीक है, जो हम्प होते हैं उसके अंदर बहुत सारी चर्बी होती है जो डेजर्ट के अंदर बहुत सारा दिन उनको बिना खाना और पानी के जीने में मदद करता है। ड्यू टू अबाव अडाप्टेशन कैमल इज़ यूज टू कैरी पीपल एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द डेजर्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से कैसे कि कैमल जो इस अडाप्टेशन की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में मदद करता है। देयरफॉर इसकी वजह से कैमल इज़ कॉल्ड द शीप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, इसकी वजह से कैमल को जो है शीप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है। शीप ऑफ डेजर्ट मतलब, ठीक है, क्या डेजर्ट में चलने वाला नाव है ना। हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड एकाशिया लीव इन डेजर्ट विथ स्केयर वाटर। ठीक है, पानी कम होने के बावजूद भी एकाशिया और कैक्टस जो है वो डेजर्ट में रह पाते हैं। क्यों रह पाते हैं? द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड एकाशिया लीव इन डेजर्ट विथ स्केयर वाटर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इन कारणों की वजह से, फॉलोइंग रीजन्स मतलब इन कारणों की वजह से वो रह पाते हैं। क्या है कारण देखते हैं बच्चों। लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स और हैव बीन मॉडिफाइड इन टू थ्रोन्स, एज अ रिजल्ट दे लॉस वेरी लिटिल वाटर बाई इवापोरेशन। ठीक है, तो उनके जो लीव्स है, जो पत्ते हैं, वो या तो बहुत छोटे होते हैं या उनको कांटों में बदल दिया गया है, उन्होंने अडाप्ट कर लिया कांटों को। उसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर से पानी बहुत कम जाता है। इवापोरेशन, इवापोरेशन मतलब धूप लग के जो पानी हमसे चुराता है ना, धूप इवापोरेट कर लेता है, खींच लेता है, उसे इवापोरेशन कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों। द स्टीम स्टोन्स वाटर, द स्टीम स्टोर्स वाटर एंड फूड सो इट इज़ फ्लैशी। ठीक है, जो स्टीम है उसका जो धड़ है वो पानी और खाना छुपा के रखता है उसके अंदर। द स्टीम आर ग्रीन हैज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स नहीं होने के बावजूद उनके जो स्टीम है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, उनका खाना बनता है, तो उसे वो ग्रीन होता है। द रूट्स पेनेट्रेट डीप इन टू द सॉयल इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, जो कैक्टस और एकाशिया है उनके जो लीव्स है वो बहुत गहराई तक जाते हैं पानी ढूंढने के लिए डेजर्ट्स में। देर इज़ अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टीम्स, जो स्टीम है उनका उसके ऊपर भी एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जिससे वो एकदम चमकीले और एकदम मुलायम होते। राइट, क्वेश्चन सी क्या है, व्हाट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप क्या है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, किस में, अडाप्टेशन में मतलब जो चीज़ें वो लोग अडाप्ट करते हैं उसमें, और ऑर्गेनिजम्स का उनके सराउंडिंग से, उनके आजू बाजू के वातावरण से। ठीक है, क्या है देखते हैं। अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द चेंजेस इन द सराउंडिंग। ठीक है, अडाप्टेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म में वो उनके सराउंडिंग में जो चेंजेस होता है, उनके आजू बाजू में जो चेंजेस होता है उसकी वजह से होता है। टू एडजस्ट विद दोज चेंजेस इन द सराउंडिंग अडाप्टेशन टेक्स प्लेस ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली इन ऑर्गेनिजम्स टू। उसके साथ में एडजस्ट करने के लिए जो अडाप्टेशन है वो कंटिन्यूसली और ग्रेजुअली होता रहता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, चेंजेस टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चेंजेस जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है उनके लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। अनेबल देम टू लीव।
ठीक है, उसे उनसे जीने के लिए, फीड खाने के लिए, रिप्रोड्यूस दूसरे को पैदा करने के लिए, टू परपेचुएट देमसेल्स एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज इन स्पेसिफिक सराउंडिंग। ठीक है, तो उनके जो स्पेसिफिक सराउंडिंग है वातावरण में, वो अपने आप को बचा के रखने के लिए उनका ये जो एडाप्टेशन है वो करना ज़रूरी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी हैबिट्स एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन। ठीक है, जो उनके हैबिटेट है, राइट, उनके आजू बाजू का वातावरण है और उनके जियोग्राफिकल कंडीशन है, उसको दे आर कॉल्ड दी एडाप्टेशन। ठीक है, उसी को एडाप्टेशन कहते हैं। हाउ आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं देखते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। अ हायरार्की इज फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विथ किंगडम एनिमिया और किंगडम प्लांटिया। ठीक है, और एक हायरार्की फॉर्म किया है कि इसी तरीके से प्लांट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स है उसे हम लोग बाइफरकेट करेंगे। पहले होता है किंगडम ऑफ एनिमिया और किंगडम ऑफ प्लांटिया। तो ये प्लांट्स के अंदर जो होता है वो प्लांट्स किंगडम ऑफ प्लांटिया में जाएगा और किंगडम ऑफ एनिमिया में जाएगा। फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, जो बेसिक सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं उसके बाद में और ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाया गया है उसके अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसे क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं ना, बायनोमियल नॉमिकल्चर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायनोमिनल और नॉमिकल्चर जो है उसे हम यूज़ करते हैं इन सबको आइडेंटिफाई करने में। अकॉर्डिंगली साइंटिफिक नेम्स हैज़ बीन असाइंड टू ईच ऑर्गेनिज्म, और इसके हिसाब से जो है एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म को दिया गया है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, उसके दो पार्ट्स होते हैं, द फर्स्ट पार्ट इज जीन्स और सेकेंड पार्ट होता है स्पाइसेस। ठीक है, राइट, तो उसके जीन्स और स्पाइस को लेकर के वहाँ पे उसको बाइफरकेट करते। ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइंड अ बायनोमिनल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ न्यूमिकल्चर। ठीक है, तो और इसके हिसाब से जो है बायनोमिनल नाम हर एक को दिया गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ न्यूमिकल्चर के हिसाब से। ठीक है, जिससे जीन्स और स्पाइसेस के इस पे दिया गया, जैसे देखो मैंगो को क्या बोलते हैं, मैंगीफीरा, और इंडिका, स्पाइसेस कहाँ का है वो इंडिका का है। ह्यूमन होमो बोलते हैं उसे, होमोस्पाइस स्पेन्स, होमोस्पेन्स बोला जाता है। कौन से स्पेसिस का है, होमोस्पेन्स का है वो, होमोस का जीन्स है और स्पेन्स उसका स्पाइस है। एक्टिविटी करना है आपको, क्वेश्चन वन, फाइंड आउट हाउ द ग्रेजुअल अडाप्टेशन फ्रॉम प्रिमेटिव मैन टू मॉडर्न मैन मस्ट हैव टेकन प्लेस। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको हम लोग, एक्टिविटी को ढूंढेंगे, है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी देख लेते हैं। लाइव्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट्स आर डैश एंड डैश का रिबन, थिन एंड स्लेंडर लाइक। ठीक है, थिन एंड स्लेंडर लाइक रिबन, डैश इन स्टीम एंड डैश ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, एयर स्पेसेस एंड पेटोलस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप देख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ देखिए इसको, सीखिए और आगे बढ़िए। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप देख रहे हो, और आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा करके जब भी मैं नया चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, बराबर है ना, शेयर लाइक करना। और अपने जो आंसर्स है कुछ अलग आपको लगेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और इसके साथ साथ में लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जो होगा उस पे आप क्लिक करिए लिंक पे, और वेबसाइट पे जाकर के भी आप क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हो, आप छोटा छोटा टेस्ट भी ले सकते हो और अपने प्रोग्रेस को मैप भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप करोगे और आगे बढ़ोगे। ऑल द बेस्ट।